हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.2 जो कि है कॉन्गुएंट ट्रायंगल्स, और ये सेवन्थ क्लास की कोर्डोवा बुक से है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम देखेंगे। जैसे कि दो ट्रायंगल्स हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और इनकी नेमिंग करते हैं। मान लो ये ट्रायंगल होगा एबीसी। अब देखो बच्चों, ये जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखने में और पढ़ने में आपको लगेगा इजी है, छोटी सी बात है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या होगा, अगर हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, क्या होगा उसका सिंबॉलिक नोटेशन। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का सिंबल होगा, यहां हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी और इधर लिखेंगे ट्रायंगल डीईएफ। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इस तरह का कोई स्टेटमेंट लिखा है, ये वाला, ठीक है, तो इसमें हम इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि अगर हम इधर लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल को बी ए सी लिखते हैं और इस ट्रायंगल को हम एज इट इज रखते हैं, तो क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है सीपीसीटी। ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एट या नाइन्थ में। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जब हमने फर्स्ट ट्रायंगल में सीक्वेंस चेंज कर दी, एबीसी को हमने बना दिया बीएसी, हालांकि ट्रायंगल में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ट्रायंगल हमारा वही है, लेकिन सीपीसीटी क्या कहती है कि ये जो एंगल ए था ये एंगल डी के इक्वल होगा, ठीक है, बट यहां पर हमने सेकंड जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें एंगल बी को इक्वल कर दिया डी के। अब कभी कभी ये हो सकता है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो सेम साइज के, बट नॉर्मली ये नहीं होगा, यानी हमने करेस्पॉन्डेंस को बदल दिया। तो यहां जो करेस्पॉन्डेंस थी वो थी एंगल ए इज इन करेस्पॉन्डेंस विद एंगल डी, और यहां सेकंड स्टेटमेंट में हम कह रहे हैं एंगल बी इज इन करेस्पॉन्डेंस विद एंगल डी। तो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो इसको सही करने के लिए क्या करें, अब देखिए ध्यान से, जब हमने एबीसी को बीएसी में यहां पर कन्वर्ट किया तो वही ऑर्डर हमें सेकंड ट्रायंगल में भी अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हमने फर्स्ट टू लेटर्स को चेंज किया तो इधर हमें लिखना पड़ेगा ईडीएफ, ठीक है, तो बीएसी का बन गया हमारा ईडीएफ। अब ये करेक्ट हो गया, तो करेस्पॉन्डेंस जो होगी वो यहां पर वर्क करेगी। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, इसको कहते हैं सीपीसीटी, ठीक है। सेवंथ क्लास की कोडा बुक में आई थिंक कि सीपीसीटी जैसा कोई वर्ड नहीं दिया है, और आएगा तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो इन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि सीक्वेंस अगर आप चेंज करते हैं तो सेकंड ट्रायंगल में भी सीक्वेंस आपको उसी ऑर्डर में चेंज करनी पड़ेगी, राइट। तो अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 14.2। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ने कर रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड एक्सवाईजेड, अब आपके सामने साइड्स की लेंथ गिवन है, ए बी 2.6 है, तो इसकी थ्री साइड्स होंगी यहां पर 2.6, 3.5 एंड 3, ठीक। इसी तरह से ट्रायंगल एक्सवाईजेड की तीनों साइड्स होंगी 2.6, 3.5 और 3। अब हमें यह पता करना है कि आर द टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, इफ यस राइट द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म इज अभी जो मैंने आपको जस्ट इस क्वेश्चन से पहले बताया, ठीक वही करना है, राइट। तो हम ये देखते हैं कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहां ए से। अगर हम ये लिखें इसका आंसर यस होगा, और हम रीजन इसका लिख देते हैं, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और सिंबॉलिक फॉर्म इसकी क्या होगी, देखो यस, और ये हम लिख सकते हैं द सिंबॉलिक फॉर्म इज। अगर हम इस ट्रायंगल को एबीसी बनाते हैं, फर्स्ट वाले ट्रायंगल की सीक्वेंस हमने क्या डिसाइड की, एबीसी। आप यहां बीएसी भी लिख सकते हैं, सीएबी भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट उसके अकॉर्डिंग हमें सेकंड ट्रायंगल की सीक्वेंस लिखनी होगी। अब देखिए, जब हमने ए के बाद बी यहां पे मेंशन किया, एबी मतलब हम साइड की बात कर रहे हैं 2.6, फिर एबीसी, तो इस ऑर्डर को हम यहां पे देखेंगे, ये ऑर्डर क्या बना हमारा, पहले हमने लिया 2.6, फिर लिया हमने 3.5 और फिर लिया हमने 3 सेंटीमीटर, ये हमारा सीक्वेंस बन गया। इसी तरह से यही सीक्वेंस सेकंड ट्रायंगल में होना चाहिए, तो 2.6 से स्टार्ट करेंगे और 3.6 को होते हुए और हम 3 पे अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो 2.6 से स्टार्ट किया और फिर 3.5 लेंगे, तो मतलब इस डायरेक्शन में इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा और 3 पे आके हम फिनिश करेंगे। यानी कि जो साइड्स का सीक्वेंस है या कह दें कि एंगल्स का सीक्वेंस है, वो दोनों में उसी ऑर्डर में रहना चाहिए। तो जब ए से हम बी पे आए, ठीक है, तो यानी एबीसी में क्या हुआ, पहले 2.6 को हमने कंसीडर किया, फिर 3.5 को किया, तो सेकेंड ट्राइंगल में भी हम लिखेंगे 2.6 से हम 3.5 पे जाएंगे, तो जेड से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट,
देखिए ये जेड से स्टार्ट किया हमने, जेड से ये 2.6, फिर यहां पे आया 3.5 और यहां पे 3 सेंटीमीटर आके हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के पहले जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था सीपीसीटी वाला, मतलब कि ऑर्डर हमेशा सेम रहना चाहिए, यानी कि करेस्पोंडेंस है उसको डिस्टर्ब ना करें। तो ये होगा हमारा जेड एक्स वाई। ठीक है, तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल जेड एक्स वाई। हम फिर से देख लेते हैं, ये हुआ 2.6, 3.5 और 3, 2.6, 3.5, इसमें भी 3 हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब आपकी बुक में करेस्पोंडेंस क्या दे रखी है, देखिए ए जो है वो z के साथ करेस्पोंडेंस में होगा, ठीक इसी तरह से b होगा वो x के साथ होगा, और c किसके साथ होगा, y के साथ होगा। तो नीचे वाला स्टेटमेंट, ये जो नोटेशन है, ये आप ना लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, एक डायग्राम बना लेते हैं हम ट्राइंगल का। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये डायग्राम है, इसकी नेमिंग हम कर देते हैं। यहां होगा ए वेट, ये होगा ए बी सी और डी। क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए बी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो इक्वल का हम यहाँ पे एक साइन लगा देते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी डी। राइट, ये छोटा सा सेगमेंट है जो कट है, ये हम यूज करते हैं इक्वल साइड्स के लिए। एंड सी ए इक्वल टू डी सी, सी ए इस पर हम ये छोटे से डबल कट यूज करते हैं। राइट, सी ए इज इक्वल टू डी सी। तो अगर ये सेम नंबर ऑफ सेगमेंट्स अगर हम यूज करते हैं लाइन पे तो वो इक्वल होती है। तो इस डायग्राम को देखते समझ जाना चाहिए आपको कि ए बी इज इक्वल टू बी डी होगा और ए सी इक्वल टू सी डी होगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की पूछा है इज ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी सी। अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, देखिए ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, शॉर्ट में हम इनको यहां पर एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड। इसके बाद आता है साइड एंगल साइड, उसके बाद में एंगल साइड एंगल, फिर एंगल एंगल साइड, और लास्ट में आता है आर एच एस। तो हो सकता है सेवंथ क्लास की कोडो बुक में सारी की सारी ना हो। ठीक है, अब देखिए साइड 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 हो गया फर्स्ट वाला। तो किसी ट्राइंगल में अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो उसमें हम साइड 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 यूज करेंगे, या अगर एक एंगल आ रहा है इंक्लूडेड तो वो हम यूज करेंगे। इस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करके ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। अगर हम ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें तो फर्स्ट ट्राइंगल ये रहा, देखो ये वाला फर्स्ट ट्राइंगल है। ठीक है, और ये वाला सेकेंड ट्राइंगल हुआ। अब इन दोनों में एक चीज गिवन थी, फर्स्ट ट्राइंगल में ए बी और सेकेंड ट्राइंगल में बी डी। इस तरह से फर्स्ट ट्राइंगल में ए सी और सेकेंड में डी सी, और एक कॉमन साइड है बी सी जो दोनों में सेम है। So, हम ये लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल बी डी सी। देखिए हम कैसे रूल्स अप्लाई करते हैं। तो बी ए सी में कौन सी साइड है जो बी डी सी के इक्वल है, तो ये इसकी बी डी के इक्वल होगी। राइट, फिर दूसरी साइड कौन सी है ए सी, ये होगी डी सी के इक्वल। ठीक है, देन एक कॉमन साइड है बी सी, बी सी। तो इन दोनों के लिए हम लिखेंगे गिवन, और यहां पर हम लिखेंगे कॉमन साइड। इस तरह से आपको स्टेटमेंट्स यूज करने हैं, और यही मेथड क्लास एट्थ और क्लास नाइन्थ में यूज करना है, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि नाइन्थ क्लास में पूरा चैप्टर एक कंप्लीट चैप्टर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ऊपर है। राइट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके आगे हमें यह लिखना है बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी सी। ये हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो ये प्रूव हो गया ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल बी डी सी के कॉन्ग्रुएंट में है। ठीक है, दूसरी बात, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर इस ट्राइंगल को फ्लिप करके या रोटेट करके अगर हम ऊपर वाले फर्स्ट ट्राइंगल पे प्लेस करें, उस पर रखें मतलब, तो उसको पूरा अच्छे से कवर कर लेगा, यानी उसको ओवरलैप करेगा। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में गिवन है इज एंगल ए बी सी
इज इक्वल टू एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल सीबीडी। तो देखते हैं अपन क्या सीपीसीटी काम करती है अच्छे से। सो यहां पर एंगल एबीसी कहां बन रहा है, देखो ऊपर डायग्राम में हम एक बार फिर से देखते हैं। एंगल एबीसी, ये एंगल एबीसी रहा, ये जो एंगल येलो कलर में आपको यहां दिख रहा है ना, ये एंगल एबीसी है। ठीक, इस तरह से सीबीडी बनेगा, तो ये सीबीडी ये बनेगा। ठीक है, अब हम अपने स्टेटमेंट पे आते हैं। जब मैंने लिखा था तो यहां पर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये देखिए सेंटर लेटर पे जो एंगल बनता है, अगर हम किसी एंगल को थ्री लेटर्स के सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो एंगल बनता है मिडिल लेटर पे। ठीक है, मेरे कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया होगा। तो यहां पर बी और बी एंगल सेम दिख रहा है आपको, राइट। और ऊपर वाले अगर फर्स्ट पार्ट में देखा जाए, जहां पर मैं ये प्रूव किया था, इसमें भी फर्स्ट लेटर बी आ रहा है सेम प्लेस पे जो आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को सीपीसीटी कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर, और यहां पर हम लिखेंगे बाय सीपीसीटी इन पार्ट फर्स्ट। ठीक है, और हम कह सकते हैं एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल सीबीडी। इसका आंसर यस हो गया कि दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन रहा। इसमें दो ट्राइंगल्स गिवन है, पहला होगा एबीसी और दूसरा ट्राइंगल होगा एक्स वाई जेड। इसमें कुछ चीजें गिवन है, देखिए। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई है और बी सी इक्वल टू वाई जेड है। ये हम यूज कर लेते हैं यहां पर। देखिए ए बी जो है वो इक्वल है एक्स वाई के और बी सी वाई जेड के, यानी ये जो पूरा बी सी है ये पूरा वाई जेड के इक्वल है। और मीडियन ए डी इक्वल टू मीडियन एक्स ई, ये जो है मीडियन ए ई, ये है मीडियन एक्स ई के इक्वल। अब मीडियन क्या होती है, देखिए ध्यान से। मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो किसी ट्राइंगल में किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करे। यानी कि ए डी क्या है, मीडियन, क्योंकि बी सी का मिड पॉइंट है। ये जो डी है ये बी सी का मिड पॉइंट होगा और इसके मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स यानी ए से ज्वाइन किया। ठीक इसी तरह से इस एक्स को हमने क्या किया, वाई जेड के मिड पॉइंट ई से ज्वाइन किया। तो यहां पर जो मीडियन है वो एक्स ई होगी। और अल्टीमेटली आप याद रख सकते हैं कि एक ट्राइंगल में थ्री मीडियंस होती हैं। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है, तो ये हम लिख लेते हैं टू प्रूव ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी और एक्स वाई ई। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो हम क्या करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। आपको स्टेप्स अच्छे से याद करनी है कि किस तरह से हम स्टेप्स को लिखें, मतलब कैसे शुरू करें, क्वेश्चन की आंसर की शुरुआत कैसे हो। इन ट्राइंगल जो प्रूव करना है उन्हीं ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल एक्स वाई ई। सबसे पहले हमें ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ये गिवन है हमें। ठीक है, सेकेंड ये गिवन है बी सी इक्वल टू वाई जेड। अच्छा, उसके पहले हम ये यूज कर लें अगर मीडियन ए डी, ठीक है, ए डी इक्वल टू एक्स ई, तो ये ए डी यूज कर सकते हैं हम, ए डी इक्वल्स एक्स ई। इसके लिए तो हम क्या लिख देंगे, गिवन। अब हमें थर्ड साइड और चाहिए, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स की दो दो साइड इक्वल होंगी। थर्ड साइड हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। जब इसमें ये लिखा है कि ये हम इसको फर्स्ट मान ले, ठीक है, ये दोनों जो हम बातें हमने प्रूव की इनको फर्स्ट मान ले। अब यहां हम ये मेंशन करेंगे सिंस बी सी इक्वल्स वाई जेड, तो बी सी को हम ये लिख सकते हैं ना टू बी डी, क्योंकि डी क्या था, मिड पॉइंट था, तो डी मिड पॉइंट होने का मतलब बी डी क्या हो गया, बी सी का हाफ। और इसी तरह से ई भी मिड पॉइंट था वाई जेड का। ठीक है, देखो यहां से आए डी मिड पॉइंट है तो बी डी क्या होगा, बी सी का हाफ, इसको डबल लिखेंगे। ऐसे यहां पर हम मेंशन करेंगे ट्वाइस ऑफ वाई ई, राइट। अब देखिए इसमें क्या हुआ, टू से टू हमने कैंसिल किया, टू से टू कैंसिल किया, तो बी डी इज इक्वल टू क्या बना, वाई ई, ये हो गया थ्री। अब फर्स्ट और सॉरी ये हो गया सेकंड, तो वन और टू से हमने क्या मिला, साइड साइड साइड। ठीक है, क्योंकि वन में आप देख सकते हो कि ये वाली साइड है, ये वाली साइड है और ये वाली भी साइड है। सो इस तरह से हम साइड 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 यूज कर सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू बाय साइड साइड साइड, एसएसएस क्राइटेरिया ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू
ट्राइंगल एक्स वाई ई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एबीडी एक्स वाई ई के कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट। इस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो मेन बात यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज करना है, फिर आंसर को किस तरह से लिखना है, क्या स्टेप्स होंगी, ठीक है, साइड्स को डिसाइड करो, एंगल को डिसाइड करो, और फिर ये देखो कौन से पार्ट कैसे इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। और लिखने का तरीका आपको आना चाहिए जो प्रैक्टिस से ही पॉसिबल होगा, राइट। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम गिवन है, यह है पैरेललोग्राम PQRS, और इसमें एक डायगोनल है जो है PR, और ये पूछा गया है शो दैट। तो हम लिख लेते हैं टू प्रूव ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल RSP, राइट। अब देखो हमें यहां पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज करनी होगी, क्या होती है, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल भी होती हैं, राइट। तो हम इन्हीं ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में प्रूव करना है उन्हीं ट्राइंगल को हम कंसीडर करके चलते हैं। तो इन ट्राइंगल्स का नाम हम इसे लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल RSP, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनो, छोटी छोटी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। और अब कौन सी साइड इक्वल होगी, देखो PQ इक्वल होगी RS के, अपोजिट साइड्स होगी, और ठीक इसी तरह से जो QR है वो हो गया अपोजिट, ये इक्वल हो गया SP के, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, अपोजिट साइड्स, और आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एंड एक इनमें कॉमन है, ठीक है, कौन सी, PR कॉमन है, PR इक्वल्स PR, इसके लिए हम रीजन लिखेंगे कॉमन साइड। तो क्या हो गया, साइड 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 प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। आई थिंक इस एक्सरसाइज में सिर्फ साइड 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 प्रॉपर्टी यूज करनी है, SSS, और बाकी क्राइटेरिया हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करने होंगे। तो हम लिख सकते हैं बाय SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RSP, और यहां पर हम लिख दें हैंस प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये एक्सरसाइज काफी इजी है, ठीक है। आई थिंक 14.3 और 14.4 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें बाकी प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी होगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, दो ट्राइंगल्स गिवन है और साइड्स की लेंथ गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि गिव रीजंस टू जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड नेम द करेक्ट करस्पोंडेंस। हम देख सकते हैं कि तीन साइड्स हैं, जैसे 7, 6, 5 सेंटीमीटर, इसमें भी 7, 6, 5 है, तो बस हमें ऑर्डर बना लेना है जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो इसको थोड़ा फास्टली कर लेते हैं, ठीक है। गिव रीजंस, तो हमें रीजन यहां पे देते हैं, हम लिखेंगे इन, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल। अब देखिए कौन सी इसमें सीक्वेंस डिसाइड करेंगे, ABC का मतलब 7, 5, 6, तो इसमें 7, 5, 6 में PQR आता है एंड ट्राइंगल PQR। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो AB इक्वल्स PQ, ठीक है, देन BC 7 के बाद 5 आ गया, तो इसमें आ गया QR, राइट, क्योंकि उसकी जो साइड BC है वो सेकंड ट्राइंगल में QR के इक्वल होगी, और इसमें अगर AC है तो उसमें PR इक्वल होगी, जो कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। बाय SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, और करेक्ट करेस्पॉन्डेंस लिखनी है, राइट। तो करेक्ट करेस्पॉन्डेंस क्या होगी, ए जो होगा वो करेस्पॉन्डेंस में होगा पी के, ठीक इसी तरह से जो सेकेंड लेटर है बी वो क्यू के करेस्पॉन्डेंस में होगा, और सी हो जाएगा आर के, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका सेकेंड पार्ट सेम होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसका डायग्राम बना लेता हूं मैं। तो यहां पर फिर से दो ट्राइंगल्स गिवन है ABC, और ये इसमें 4, 5 एंड 5.5, ठीक इसी तरह से PQR, देन 5, 4 एंड 5.5। तो फिर से हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, इन ट्राइंगल
एबीसी एंड, अब देखो एबीसी में हमने क्या डिसाइड किया, एबीसी का ऑर्डर ये होगा 4, 5.5 एंड 5, तो इस तरह से 4, 5.5 और 5, तो क्यू आर पी हुआ एंड ट्राइंगल क्यू आर पी, राइट। जो साइड्स की लेंथ का ऑर्डर जो हमने लिया है वही हम दोनों में सेम रखेंगे, यही होती है सीपीसीटी। अच्छा, इसके बाद में मेंशन करेंगे हम, देखिए यहां इसकी जो ए बी है 4 है, तो इसमें क्या है क्यू आर, ठीक है। ठीक इसी तरह से फर्स्ट ट्राइंगल में बी सी है 5.5, तो इसमें हो जाएगी आर पी, और उसके बाद ए सी यानी कि 5, तो इसमें हो जाएगा क्यू पी, ठीक है, जो 5 हो जाएगी क्यू पी। वही साइड 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 रूल हो गया, ठीक है, बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल क्यू आर पी। अब करेस्पोंडेंस का जो रूल है, करेक्ट करेस्पोंडेंस क्या होगी, वो होगी फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर को मैच करना है, सेकंड से सेकंड को करना है, और थर्ड लेटर से हमें थर्ड लेटर को इस तरह से शो करना है। ये करेस्पोंडेंस रिलेशन होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी। ये हो गया, तो ये हुआ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, ये हुआ सिक्स्थ क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं, और सारी प्रॉपर्टी वैसे ही है, ठीक है। तो पूछा इसमें कि शो दैट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट द पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स। तो हम यहां पे ये मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी का मतलब 14, 17, 16, तो 14, 17, 16 का मतलब आप पी क्यू आर, ठीक है, राइट, ट्राइंगल पी क्यू आर। चेक कर लेते हैं हम, ए बी सी में 14, 17 और 16 आ रहा है, सो आर पी क्यू आएगा, राइट, आर पी क्यू, क्योंकि हमने 14 से स्टार्ट किया ना, ठीक है, 14, 17, 16, तो आर पी क्यू, राइट। अब देखिए हम इसमें क्या मेंशन करेंगे, सबसे पहले हम ये इसमें शो करेंगे कि ए बी इक्वल्स आर पी, ये कितनी हमारी 14, राइट। बाकी क्वेश्चंस जो हमने इससे पहले किए उसमें भी आप ये वैल्यू मेंशन कर सकते हैं, जो 14 हमने यहाँ पे मेंशन किए ना, ये वाली, ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में बी सी, ठीक है, तो ये बी सी इक्वल्स होगा पी क्यू, ठीक है, ये कितना है 17, और ठीक इसी तरह से थर्ड साइड होगी ए सी, ए सी इक्वल्स टू आर क्यू। अब देखिए ए सी कितना है 16 और आर क्यू कितना है 16, तो हम मेंशन करेंगे बाय एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है, बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू, राइट। और क्या लिखा है, राइट द पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स, काफी सिंपल है। देखो इक्वल एंगल्स क्या होंगे, एंगल ए जो होगा वो होगा एंगल आर के इक्वल, ठीक है, सेकंड जो एंगल है बी वो होगा पी के इक्वल, और एंगल सी होगा एंगल क्यू के इक्वल। अब मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस हो गया है कि स्टूडेंट्स आप इसका सेकंड पार्ट इजीली कर सकते हो, राइट। मैं चाहता हूं कि सोल्व कर दूं, बट फिर भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसको कैसे समझेंगे। इसका हम देख लेते हैं साइड 3, 4, 5 एंड 3, 4, 5, राइट, तो ये काफी इजी होगा, सेम इसी तरह से आपको करना है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करने से ही सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस आपको लिखने की हैबिट बनती है, ठीक है। कैसे कंसेप्ट यूज करना है ये अच्छे से हमें समझ में आता है, बस एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे, राइट। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हैव अ गुड डे।